तो बोले उस समय सेल्फी नहीं थी तो बोले फोटो निकालना है। क्यों बोले? तो भाई आप मैं अगर घर में जाऊंगा और मेरे अगर बीबी को यानी पत्नी को मैं अगर बताऊंगा कि मैं राजा के दरबार में जाकर आया, ऐसा अगर बताऊंगा तो वो बीबी बोलेगी क्या मूर्ख है क्या, तुमको कौन दरबार में बुलाता है? तो वहाँ वो चौकीदार आता है, लकड़ी मार कर तुमको भगा देगा, तुमको कौन बुलाता है? तो अब ये कैसे बताना, अगर आपके साथ मेरा फोटा हो तो मैं बताऊँगा देखो फोटा है राजा के साथ, तो इसलिए आपके साथ फोटो निकालना है, तो आइए ना आप आइए। तो वो राजा नीचे आ गया और वो इसकी किसान के पास खड़ा हो गया, वो बैठा था स्टूल पर। तो किसान बोलता है कि राजे साहब आप खड़े और मैं बैठा तो लोग मुझे हंसेंगे, आप बैठिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो राजा उस स्टूल पर बैठ गया। तो राजा जैसे स्टूल पर बैठ गया वैसे ही किसान दौड़ते दौड़ते गया और ऊपर जाकर सिंहासन पर बैठ गया, राजा के सिंहासन पर। अब सब लोग देखने लगे और सब विद्वान को लगा कि अभी तो राजा इसका टुकड़ा टुकड़ा करेगा, इतनी हिम्मत करता है राजा के सिंहासन पर जाकर बैठता है। लेकिन राजा बहुत ज्ञानी था, राजा क्या देख रहा था कि इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने कॉलेज खोले, इतने यूनिवर्सिटी खेली, इतने PhD हो गए, इतने सब डॉक्टर हो गए, ये सब क्या ज्ञानी हो गए क्या पुस्तक के पंडित हो गए? पुस्तक पढ़कर कोई पंडित नहीं होता, इसलिए वो देखना था उसको। और इसे राजा था, तो राजा ने पूछा कि अरे भाई मेरे आखिर के प्रश्न का जवाब कि भगवान की ताकत कितनी है? तो किसान बोलता है तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। तो बोले क्या दे दिया? बोले मैं जहाँ बैठा था, एक गांव का किसान मैं जहाँ बैठा था उसमें आप बैठे हैं, और आप जहाँ बैठे थे सिंहासन पर उसमें एक गांव का अनपढ़ किसान बैठा है। आप क्या समझते हो एक मिनट दो मिनट उल्टा पुल्टा हो सकता है? राजा वो है, राजा राजा करके डिग मत मारो, मैं राजा हूँ, राजा वो है। तो ऐसा वो किसान था। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ने पुस्तक है क्या? ज्ञान ने कंप्यूटर है क्या? ज्ञान ने भूगोल है क्या? ज्ञान क्या है? विद्यालय में हम ज्ञान नहीं पढ़ते, विद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं और जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, हमको अच्छा जॉब मिले। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अलग होता है। तो एक आश्रम था, उस आश्रम में 2-3 विद्यार्थी पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे तो उनका पढ़ाई पूरी हो गई, 12 साल हो गए तो सभी के फैकल्टी पूरी हो गई। और कुलपति ने बुलाया और उनको कहा कि आप तो जा सकते हो लेकिन आपका लास्ट एक टेस्ट लेने की मेरी इच्छा है, आप रुकेंगे तो मैं टेस्ट ले लूँगा। तो सब विद्यार्थी रुके, 15 दिन हो गए, बाद में कुलपति ने बुलाया और बोले जाओ जा। अरे बोले आप हमका टेस्ट लेने वाले थे? नहीं नहीं बोले जाओ। तो निकले, अब निकले तो पहले जंगल का रास्ता होता है, बाद में हाईवे आता है, फिर बाद में घोड़ा गाड़ी वगैरह मिलेगी, और इसलिए वो पैदल चले चले तो एक बाबुल का पेड़ गिर गया था रास्ते पर। अब जो स्पोर्ट्स में हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह इसमें जो एक्सपर्ट था उन्होंने एक हाई जंप लगाई और आगे निकल गया, देखने लगा देखो हम मैं कैसे कूद कर आ गया, ऐसा देखने लगा। फिर दूसरा जो था उन्होंने राइट टर्न ले लिया और वो ऐसा घूम कर आगे निकल गया। तो तीसरा था, उस तीसरे ने विचार ऐसा किया कि अभी तो उजाला है, अंधेरा हो जाएगा और बाद में कोई आएगा तो उसके पैर को काटे लगेंगे, ये जब तक उजाला है तब तक ये जो पेड़ ऐसा आड़ा है उसको ऐसा खड़ा करना चाहिए, इसलिए उसने ताकत लगाई और वो पेड़ जो था उसको ऐसा खड़ा करके दिया। और कांटे बीटे थे वो सारे चुनकर चुनकर उन्होंने उसके मुलिया के पास रख दिए और आगे निकला। आगे निकला तो कुलपति छिपे थे बाहर, तो वो एकदम बाहर आ गए और उन्होंने सबको वापस बुलाया, अरे वापस आओ। वो सबको आगे जो गए थे उनको ही वापस बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आखिर का विद्यार्थी है, ये आखिर का विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गया, उसको जाने के लिए अनुमति है, आप दोनों को अभी पढ़ना बाकी है, आप वापस चलो। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ाई काहे के लिए है?
अगर समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए अगर काम करने की इच्छा अगर हो तो उसको बोलते हैं पढ़ाई। भ्रष्टाचार करने के लिए, घर भरने के लिए, बैग भरने के लिए, पेटियां भरने के लिए, अपना एक मंजिल का मकान दो मंजिल करने के लिए, उसके लिए पढ़ाई है क्या? उसके लिए कमाई है। अगर ज्ञान का उपयोग हम लोगों के पास से पैसा निकालने के लिए करेंगे तो कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल पेट भरने का धंधा है। यानी आप आदमी हो या पेट कमाने का मशीन है। इसलिए मकर संक्रांति उत्सव के निमित्त हमको इसका विचार करना चाहिए कि हमने सूर्य की पूजा की और हमने प्रकाश की ओर जाने के लिए हमने तय किया। अंधेरा कम हो जाए, प्रकाश की ओर हम जाए, अज्ञान हमारा दूर हो जाए, हम ज्ञान की ओर जाए। हमको आदमी क्या होता है इसका ज्ञान मिले, जानवर क्या होता है ये नहीं, आदमी क्या होता है। अगर हम आदमी है तो आदमी ये क्या है उसका विचार हम करें। इसलिए हमने आज सूर्य की पूजा की। इस मकर संक्रांति का उत्सव का महत्व इसलिए है कि हम सब लोग, हमारा सारा देश ज्ञान की ओर प्रगति करे, अज्ञान की ओर से ज्ञान की ओर जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इससे हमारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना ध्यान में रखकर हम हमारे जीवन बनाए, ये अपने ये मकर संक्रांति का हमारे लिए संदेश है। इसलिए केवल त्यौहार के लिए त्यौहार न मनाते हुए इसका जो मर्म है वो मर्म ध्यान में लेकर हम लोग अपना जीवन अच्छा बनाए, इसी का इसका संदेश है।